बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको कपास से सफ़ेद मक्खी कंट्रोल करने के हवाले से कुछ मालूमात दी जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सफ़ेद मक्खी जो है ना, ये कपास का नंबर वन कीड़ा बन चुका है। जो बंदा मक्खी को कंट्रोल कर गया, वो समझे सारे कीड़े ही कंट्रोल कर गया, तो फसल हो जाती है। यही सबसे ज़्यादा तंग करती है। तो बहरहाल, अगर एक मरतबा इसकी कलोनी बन जाए, ये गढ़ बन जाए ना इसका किसी भी खेत में, तो किसी भी जहर से सही तरीके से कंट्रोल नहीं होती। अगर कंट्रोल हो भी जाए ना, तो फसल काली होने की वजह से उसकी पैदावार सलाहियत खत्म हो जाती है। वो तो एक एक्सीडेंटली सूरत हाल होती है। उस एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, रिकवरी हो भी जाए तो वो पहले वाली बात नहीं रहती। तो इसको मैं इसका एक दो टोक बताता हूँ। इसको ज्यादा बढ़ने से पहले पहले जो है ना, इसको एड्रेस कर लिया जाए तो फिर बेहतर रहता है, फिर ये काबू में रहती है। अगर एक मरतबा बढ़ गई ना, किसी वजह से बढ़ गई, स्प्रे करते करते भी बढ़ जाती है बार दफा, दवाइयाँ नाम कमल किस्म की, एसीटा पायरीप्रोक्सी अकेली कर दी, दोनों मिला के कर दी, तो ये उनसे कंट्रोल नहीं होती। तो अगर बढ़ जाए ना एक मरतबा, तो उस सिलसिले में भी नोट कर लेंगे, वो अडल्ट को मारने की बजाय जो बच्चे हैं ना, बच्चे मारने वाली जहरें जो है ना, मोवेंटो जिस तरह की है, स्पायरोटेट्रामेट, उसके बच्चे मारने वाली जहर जो है ना, वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि जो उसकी पॉपुलेशन आगे बढ़ने से रुक जाए। देखें, सफेद मक्खी कंट्रोल करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट जहर का गलत इस्तेमाल है। मतलब तरीका इस्तेमाल जो है ना, कवरेज नहीं पूरी होती इससे। ऊपर ऊपर स्प्रे कर देते हैं, जबकि इसके बच्चे जो है ना, वो दरमियान में होते हैं, दरमियान वाले पत्तों के पीछे होते हैं, तो पत्तों के दोनों तरफ आर पार जो है ना, असल में ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होती जब ज्यादा बढ़ जाती है। तो साफ जाहिर है कि बच्चे पिछली तरफ ऊपर वाली साइड स्प्रे करते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं होती। फिर यह कि जो स्प्रे मैन जो हमारे होते हैं, वो तो किराए के टट्टू होते हैं, अल्लाह भी स्प्रे कर दे, तो वो भी आने अल्लाह भी चोरों के कपड़े डांगा ने गाज, वो स्प्रे करके आने होगी जी स्प्रे, जिन्नी मर्जी अच्छी दवाई हो, इस तरीके ना नहीं जान छाड़ती। एक बार जो एंटर हो जाती है ना सही तरीके, कलोनी बन जाए, फिर आसानी से जान नहीं छूटती। पर क्या बेहतर यह है कि मेरा तो मशवरा यह है कि मोवेंटो या सैफिना जो है ना, एंग्रो की प्रोडक्ट है, एफिडोपैरोपीन, तो ये जबरदस्त है दोनों। इस हवाले से ये याद रखें कि इनकी दो स्प्रे जो है ना, 6 दिन के वक्फे से दो मरतबा स्प्रे करेंगे, तो जो है ना, खास तौर पर पहले 2 माह के अंदर अंदर है। अगर 2 माह से ज्यादा हो चुकी है, तो बिल्कुल ये जहरें इस्तेमाल कर ना की जाए। पहले 2 माह के दौरान 60-70 दिन के अंदर अंदर जो है ना, इनके 2 कंजेक्टिव स्प्रे कर लिए जाए, तो सफेद मक्खी जो है ना, ये ज्यादा नहीं बढ़ सकती। अगर किसी वजह से शदीद हमला हो चुका हो भी जाता है, तो उड़ती हुई मक्खी को मारने के वाले से तो मतोई जो है ना, इससे पायरीफ्लू के नाजोन, इससे बढ़कर, या पोलो है, इससे बढ़कर कोई दवाइयाँ नहीं है। उड़ती हुई को तो बहुत मारती हैं। मतोई का मैंने ये देखा है कि इसका अंडे बच्चे के ऊपर भी असर है, लेकिन उड़ती हुई मक्खी को जो है ना, वो सुम्सुमार खामोश कर देती है मुकम्मल तौर पर, और इसका ड्यूरेशन जो है ना, वो भी थोड़ा तवील है। लेकिन याद रखें कि पोलो जो है ना, उसको थोड़ा वो जरा सख्त दवाई है, तो उससे थोड़ा बचना ही बेहतर है। बाकी रहा कि एसीटामेप्रिड और पायरीप्रोक्सीफेन अलग अलग करें या इकट्ठे करें, इनसे अब नहीं तलफ होते, इनमें रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। तो देखें, मुख्तलिफ जहरों की कारकर्दगी का फर्क अगरचे आज की पोस्ट में भी मैंने लगाया है, लेकिन मेरी बात का खुलासा यह है कि जो गंदम के बाद काश्त हुई है ना, तकरीबन 2 माह की फसल है, लेट काश्त, उसमें तो सबसे बेहतर यही है कि या तो आप सैफिना के 2 स्प्रे करें, या मोवेंटो के जो है ना, रिपीटेड इस्तेमाल कर लें, तो सफेद मक्खी जो है ना, ये हाल से बढ़ने नहीं पाएगी।